एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में सभी जो है सेमेस्टर और ईयर के छात्रों के लिए है कुछ ना कुछ तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा जो फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की एग्जाम होंगी और बैक पेपर स्पेशल बैक पेपर एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे उनके पैटर्न क्या होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मतलब इनमें से क्या है और इसके अलावा हम बात करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बारे में कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जाम की बैक पेपर स्पेशल बैक पेपर और ओनली बैक पेपर का जो है इससे रिलेटेड अगर जो भी कोई कंफ्यूजन है तो जैसे कि आखिर किन सेमेस्टर के छात्रों को यही बैक पेपर है सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर इन छात्रों के लिए तो नहीं है तो उन सब के जो है कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर किए जाएंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और यहाँ पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं ये बीटीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं जो लेटेस्ट नोटिस जारी हुई है लगातार यहां पे यहां पे नोटिस में आएंगे इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पे जी हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस जारी हुआ है और इसमें जो है स्कीम जारी किया गया है प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर ओनली बैक पेपर एग्जाम तो ये जो है ये तीन नोटिस जारी हुई है अब इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है ये किन छात्रों के लिए है तो दोस्तों अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी आई है उसके हिसाब से यहाँ पे उसके पैटर्न पे ये जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों जो भी ये बैक पेपर होंगे ये केवल केवल फाइनल ईयर के छात्रों के ही होंगे मतलब ये उन्हीं छात्रों के ही करवाए जाएंगे और अभी तक जो यहाँ पे सूचना आए निकल के इसके अलावा चलिए देख लेते हैं क्या क्या है प्रपोज़ एग्जामिनेशन स्कीम फॉर मल्टी पॉइंट इंट्री एंड क्रेडिट सिस्टम जो एग्जाम है ये स्पेशल बैक पेपर के लिए है और प्रपोज़ एग्जामिनेशन स्कीम फॉर ओनली बैक पेपर के लिए है जिनका सिर्फ बैक पेपर और प्रपोज़ एग्जामिनेशन स्कीम फॉर बैक पेपर फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर में जिसका रहा होगा उसके लिए है ये स्कीम तो इस तरीके से ये तीन नोटिस जारी हुई थी और दोस्तों अब जो अगला हमारा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा एग्जाम पैटर्न क्या होगा इस पर हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट में कहीं पे भी कुछ ऑनलाइन नहीं दिया गया है हालांकि शुरू में प्लानिंग बन रहे थे कि अगर कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने की कुछ प्रावधान चल रहे थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है एग्जाम जो है आपके ऑफलाइन ही होंगे अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट आई है उसके हिसाब से आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं आप सभी को टाइम टेबल के हिसाब से जानकारी मिल गई होगी और इसके बाद बढ़ लेते हैं अगले कंफ्यूजन की तरफ से कि सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर और इसके अलावा फर्स्ट ईयर के रिजल्ट डेट के बारे में कि आखिर इनके रिजल्ट्स कब तक डिक्लियर किए जाएंगे क्योंकि इन बच्चों को होना है प्रमोट और ये बच्चे लगातार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस पर क्वेश्चन भी बार बार पुट अप कर रहे हैं आखिर इनके रिजल्ट कब तक डिक्लियर होंगे जबकि सारे यहाँ पे जो प्रावधान है वो करवा लिए गए हैं कुछ सबको असाइनमेंट वगैरह दे दिया गया है और सबका सबमिट भी हो गया है बस रिजल्ट डिक्लियर करना है तो आखिर रिजल्ट कब तक आएगा तो दोस्तों यहाँ पे बीच में अभी कुछ एग्जाम वगैरह करवाने हैं जिसके चलते रिजल्ट में थोड़े थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है हाल, हालांकि जो रिजल्ट अभी शुरू में ऐसा लग रहा था कि 10 सितंबर तक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा लेकिन अब वो मुश्किल लग रहा है अब रिजल्ट जो आपके सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो भी रिजल्ट है वो जारी होंगे 25 सितंबर तक जी हाँ दोस्तों पच्चीस सितंबर तक जो अभी तक हमारे यहां पे अपडेट अपडेट हमारे जो जो सूत्रों के मुताबिक भी मिली है उसके हिसाब से 25 सितंबर तक सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फार्मा के रिजल्ट जो करने के लिए अभी डेटा आई है लगभग नियर अबाउट 25 सितंबर के आसपास पास डिक्लेयर की जाएगी जिससे बहुत सारे बच्चों को अभी इसमें समस्याएं आ रही हैं रिजल्ट ना होने के कारण स्कॉलरशिप वगैरह नहीं फिल कर पा रहे हैं और उसके लिए वो अभी वेट कर रहे हैं तो इनके रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर किए जाएंगे सारी चीजें लगभग तैयार की जा चुकी हैं और ये भी बताया गया है कि जो है इन्हें प्रमोट करने के लिए क्या किस तरीक कौन सा तरीका अपनाया जाएगा और किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा ये सारी जो नीतियां बन चुकी है और इसको अपडेट भी किया गया है सभी इंस्टीट्यूट तक तो बहुत ही जल्द रिजल्ट डिक्लियर कर दिए जाएंगे बस दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है और लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे जैसे बीटी पी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके और रिजल्ट कब तक आएगा ये भी जानकारी तो पच्चीस सितंबर तक आपको करना पड़ सकता है वेट अपने रिजल्ट के लिए इन छात्रों के इसके बाद आपका ये बैक पेपर स्पेशल बैक पेपर से रिलेटेड हो गया कि केवल केवल फाइनल ईयर और सेमेस्टर के बच्चों को ही बैक पेपर देने हैं अभी तक जो सूत्रों से पता चला है अगर फिर कोई भी नई अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत ही अपडेट करेंगे दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए बीटीपी डिजिटल एजुकेशन सिर्फ आपके लिए है पॉलिटेक्निक और बीटीयूपी सभी छात्रों के लिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार बाय